today we will discuss about factors affecting photosynthesis. We have discussed about photosynthesis, okay, it's making of glucose in the presence of light, okay. So what are the factors, external factors and what are the internal factors which govern the rate of photosynthesis? कितना स्पीड में फोटोसिंथेसिस होगा, कितना टाइम में लगेगा वो फोटोसिंथेसिस को अकर होने में, ठीक है. तो डिपेंड करते हैं अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड डिपेंड्स अपॉन इंटरनल फैक्टर्स आल्सो. एक्सटर्नल फैक्टर्स जो प्लांट के बाहर जो फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं और जो फैक्टर्स प्लांट के अंदर काम कर रहे होते हैं क्या बोलते हैं लोग, इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है. तो हमें क्या करेंगे, पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है. फर्स्ट क्या है, लाइट इंटेंसिटी. व्हाट इज फर्स्ट फैक्टर, लाइट इंटेंसिटी. अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है, कुछ हद तक लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है. जैसे देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है वैसे से फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा था. पर एक 0.02% ऑफ CO2 कंसंट्रेशन एयर में फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा था, स्टेबलाइज हो रहा था. मतलब अब इस रेट में कोई फर्क नहीं हो रहा था, ना ही वो इंक्रीज हो रहा था ना ही वो डिक्रीज हो रहा था. जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ते चला गया. एक वक्त ऐसा आया कि 0.02% CO2 कंसंट्रेशन में और फोटोसिंथेसिस बढ़ना बंद हो गया. मतलब ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, अब इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है. यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इसमें ऑब्जर्व किया गया और कौन सा कितना कंसंट्रेशन है, 0.02% CO2 है. बट फिर देखा गया कि जैसे लाइट इंटेंसिटी तो स्टेबलाइज हो गया, फिर हम लोग अगर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज करते हैं उसी लाइट इंटेंसिटी में, जैसे अगर CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है 0.05% में, अगेन देयर इज एन इंक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस एंड आफ्टर सम टाइम अगेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट्स स्टेबलाइज्ड, ठीक है. तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो 0.05% बना देंगे, तो फिर क्या होगा, फिर से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है. सो दिस बिकम्स द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और लाइट इंटेंसिटी दोनों डिस्कस हो गया. नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए प्लांट को, 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए प्लांट को फॉर फोटोसिंथेसिस. अप टू दिस टेम्परेचर जितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, डबल हो जाएगा. सपोज अगर 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो रहा है, ठीक है, तो फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स डबल. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाता है, ठीक है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर में अगेन फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, डबल हो जाएगा. पर ये कब तक होगा, सिर्फ 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही होगा, ठीक है. मान लीजिए आप 15 to 25 हो गया एंड 25 to 35, तो इस 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल होगा. पर कब तक, जब तक 35 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आता, ठीक है. बियॉन्ड 35 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट हैपन, एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड, ओके, दैट्स व्हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स वेरी 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 लेस, ओके. फोटोसिंथेसिस नहीं के बराबर होता है, ठीक है. सो एट अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम्स गेट डिस्ट्रॉयड. अबव 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम्स गेट्स destroyed, okay. So no synthesis take place, okay. No, मतलब after that no synthesis take place, okay. Next condition is water content. अगर water content plant में कम हो गया हो due to insufficient absorption of water through roots, तो भी क्या होगा, photosynthesis क्या होगा, photosynthesis कम हो जाएगा, ठीक है. पर अगर continuously water absorb होते जा रहा होगा तो क्या होगा, rate of photosynthesis बढ़ते जा रहा, ठीक है. वॉटर कंटेंट पे डिपेंड करता है. अब हम लोग आते हैं क्या, इंटरनल फैक्टर्स. व्हाट आर इंटरनल फैक्टर्स, क्लोरोफिल, प्रोटोप्लास्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. तो क्लोरोफिल, जितना हमारा क्लोरोफिल रहेगा उतना ज्यादा मैक्सिमम लाइट अब्सॉर्प्शन होगा, फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज्यादा होगा. बट ड्यू टू सम मिनरल डेफिशिएंसी, बट ड्यू टू सम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी वी कैन से, ओके, व्हाट हैपन, क्लोरोफिल इज लॉस्ट. कौन सा प्रिपेरेशन का डेफिशिएंसी होगा इसमें, मैग्नीशियम का अगर डेफिशिएंसी होता है, क्योंकि मैग्नीशियम उसमें कोर एटम होता है क्लोरोफिल में, ठीक है. तो अगर उस मिनरल का डेफिशिएंसी होगा तो क्लोरोफिल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम्स लेस, ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोटोप्लाज्म. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म. अगर ये प्रोटोप्लाज्म ड्राई हो गया, साइटोप्लाज्म बहुत ड्राई हो गया, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ड्राई हो गया तो यार वाटर कंटेंट्स को नहीं मिल पा रहा है, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कैसा है, क्या लीफ एकदम हाई सरफेस एरिया का है, या फिर उसमें क्लोरोफिल ज्यादा है, या फिर उसमें क्यूटिकल भी अगर होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा,
अगर ठीक क्यूटिकल होगा तो फ्लोरोसेंस का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर न्यूमरस क्यूमेटा होंगे, अगर मोर नंबर ऑफ क्लोरोफिल होगा, लार्ज सरफेस एरिया होगा, तो ये सब क्या करेंगे, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन को फेवर करेंगे और फोटोसिंथेसिस क्या होगा, रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा।